अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो दी फ्लुएंसी एडर्स। ये मेरा यूट्यूब चैनल है दी फ्लुएंसी एडर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो एंड आई विल अप्रिशिएट यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू दिस चैनल। एंड सो आई हैव कम हेयर टू इंट्रोड्यूस यू विद द न्यू टॉपिक। सो वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट द स्पोकन इंग्लिश सेक्शन विद द सीरीज वन एंड वी आर going through with the module that is speaking module. So there is a topic that I have just discussed and that I have just narrated for the discussion. This is presentation skills. So first of all we can say about presentation skills. अगर हम किसी भी तरह से बात करें तो ये एक चीज़ बहुत common और बहुत ही innovative point of view है कि अगर हम जब भी किसी चीज़ को लेकर चलते हैं, जस्ट लाइक कोई भी कोर्स टॉपिक हो, कोई भी आपका रेलिवेंट थीसिस हो, थीम हो, या भी किसी भी तरह का आपका कोई मॉड्यूल हो या सब्जेक्ट कोर्स हो, तो आपके लिए प्रेजेंटेशंस बहुत कंपलसरी होती हैं। तो इसी हवाले से हमारी जो आज की वीडियो है वो प्रेजेंटेशन स्किल्स पर होगी और इसमें मैं आपको बेसिक टिप्स और बेसिक फिगर्स के बारे में बताऊँगा जिसके थ्रू हम अपनी प्रेजेंटेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, या जो मतलब जिसका स्टार्टर पॉइंट है, या कह सकते हैं जो बिगिनर्स हैं हमारे पास, तो वो इस चीज़ को या इन टिप्स को फॉलो करके अपनी प्रेजेंटेशंस को बेटर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स में हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमने बताने हैं और ये फिगर्स हैं हमारे पास। फिगर्स में हमारे पास जो इंक्लूडिंग पॉइंट्स हैं वो हम कह सकते हैं, नंबर वन स्टार्ट विद द ग्रीटिंग्स। तो ग्रीटिंग्स के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है ग्रीटिंग्स क्या होती हैं। ग्रीटिंग्स का मतलब है आदाब, यानी जब आप किसी से बात करते हैं या कोई पहली मुलाकात करते हैं तो आपने अपना तारुफ़ करवाना होता है। तो उसमें हमने जिस तरह सलाम दुआ करने के बाद जो तारुफ़ होता है वो हमारी ग्रीटिंग्स में भी शामिल होता है। जस्ट लाइक आप किसी को एक्सक्यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपने ग्रीटिंग्स करनी है, तो ग्रीटिंग्स आपके लिए कंपलसरी है। सो अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो काइंडली वो देख सकता है, ग्रीटिंग्स पर वीडियो है। बेसिकली एक पूरा एक टॉपिक है ये और इस पर मैंने एक डिटेल डिस्कशन की है, ठीक है? तो आप ग्रीटिंग्स के सेक्शन को देख सकते हैं। अदर देन दैट ग्रीटिंग्स से हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक आपने जब प्रेजेंटेशन देनी है, यानी आप रोस्ट्रम को यूज़ करते हैं, नंबर वन थिंग इज रोस्ट्रम डैश रोस्ट्रम। दीज आर द टू बेसिक वर्ड्स जो हम कह सकते हैं कि हम अपने डैश या हमारा जो एक स्टैंड पॉइंट जो वुडन ब्लॉक होता है जिस पर हमने प्रेजेंटेशन देनी होती है उसे हम डैश या रोस्ट्रम का वर्ड यूज़ करते हैं। सो बेसिकली जब ग्रीटिंग्स के लिए आप पहुँचते हैं तो आपने अस्सलामु अलैकुम, बींग अ मुस्लिम हम यही कहते हैं, तो हमने सलाम से ही अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना होता है। तो फर्दर हमने नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो हमारा इंट्रोडक्शन है, यानी आपने इंट्रोडक्शन यानी फुल नेम अपना बताना होता है। जस्ट लाइक लेट्स सपोज इट्स मी, आई वुड से अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ बासित अली, या माई नेम इज़ बासित अली। तो मैंने अपना पूरा नाम बताया तो हमने अपने पूरे नाम के साथ इंट्रोडक्शन देना है सो दैट हम उस चीज़ को आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकें। नंबर थर्ड पर हमारे पास है प्लेजेंट्री सेंटेंस। प्लेजेंट्री सेंटेंस हमेशा से एक ऐसा सेंटेंस है, जब भी आप किसी चीज़ के बारे में या किसी भी स्टेज को यूज़ करते वक्त आपने अपनी प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करनी होती है तो आपने एक प्लेजेंट्री सेंटेंस डिलीवर करना होता है। जस्ट लाइक आपने बताना है कि आपके वहाँ उस स्टेज पर आने के बाद क्या रिमार्क्स हैं, क्या रिव्यूज़ हैं, सो दैट यू हैव टू नेम योरसेल्फ एंड यू हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ, या इट मीन्स सम काइंड ऑफ एक्सप्रेशन ही होते हैं लेकिन आपने बताने ज़रूर होते हैं। जस्ट लाइक आई कैन से इट इज़ अ प्रिविलेज फॉर मी टू बी हेयर, यानी मैं कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर इस स्टेज पर आकर बहुत खुशी हुई है, या हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स वी हैव अनदर एग्जाम्पल दैट इज़ थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस टू बी हेयर, या हम कह सकते हैं थैंक यू फॉर सच सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर माई टर्न फॉर गिविंग मी अ चांस टू प्रेजेंट माई सेल्फ। तो हम ये तीन चार ऐसी न्यूमरस एग्जाम्पल्स हैं और हम इसके अलावा भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से हम इस वर्ड को हम प्लेजेंट्री सेंटेंस का नाम दे सकते हैं। सो प्लेजेंट्री सेंटेंस वो है जब आपने एक तरह से खुश आमदीद यानी वेलकमिंग सेंटेंसेस जो होते हैं ना वो आपने रिप्लाई में प्रोवाइड करने होते हैं। सो नंबर फोर वी हैव द बेसिक टॉपिक, द टॉपिक अबाउट विच वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब और द टॉपिक विच इज़ टू बी नरेटेड ऑन वर्ड्स। सो हमने उनवान के बारे में बात करनी है, यानी बेसिक चीज़ जो कि उनवान है, यानी जो बेसिक टॉपिक है जिसके बारे में बात करनी है या जिसके बारे में प्रेजेंटेशन देनी है तो हमने उसके बारे में ओवरव्यू देना है। द
जस्ट लाइक अगर वो कोई क्वेश्चन है तो उसके बारे में बताना है, या कोई वो डिटेल टॉपिक पॉइंट है तो हमें उसके बारे में बात करनी है. जस्ट लाइक आई हैव एन एग्जांपल, हाउ डू वी मेक आवर कंट्री स्ट्रांग. सो हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है कि हम किस तरह से अपने मुल्क को मजबूत बना सकते हैं. सो डेफिनेटली डिफरेंट कोर्स आउटलाइंस हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट सीरीज हैं जिसके थ्रू हम अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में बातें कर सकते हैं. जस्ट लाइक हमारे पास डिफरेंट ओपिनियंस हैं, सजेशंस भी हैं, तो हम यहाँ पर सजेशंस को इंक्लूड कर लेते हैं. तो डिफरेंट सजेशंस और ओपिनियन हैं, तो हमने इसके बारे में मतलब उसके बारे में बात करनी है कि किस तरह से हम अपने मुल्क को बेहतर और मजबूत बना सकते हैं. और उसी के साथ हमने उसका बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी फ्रेम या मींस उसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या बैकग्राउंड या कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो होती है हमारे टॉपिक से रेलिवेंट, तो हम उसे इंक्लूड करेंगे. ठीक है, नंबर 6 पॉइंट पर. सो नंबर 7 पॉइंट पर हमारे पास एग्जांपल है. एग्जांपल में हम कोई भी एक टॉपिक से रेलिवेंट एग्जांपल पुट कर सकते हैं, सो दैट हमें कोटेशन मार्क करनी हो कोटेशन मार्क कर सकते हैं, या किसी बड़े राइटर की या किसी बड़े एडिटर या किसी बड़े जर्नलिस्ट की हम कोई भी कोटेशन मार्क कर सकते हैं और उसके साथ एग्जांपल को कोट कर सकते हैं. इट कैन बेटरली हेल्प टू फिगर आउट आवर टॉपिक, यानी हमारे टॉपिक को मजबूत बनाता है और हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स को मोर ज़्यादा इंप्रूव करता है. ठीक है, इसमें एक ज़रा ज़बरदस्त कनेक्टिंग पॉइंट है. नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड्स द कंक्लूजन. कंक्लूजन बेसिकली आपको पता है कंक्लूजन के बारे में क्या होता है. कंक्लूजन के बारे में यह है कि हमने एंड में अपने पूरे ओवरव्यू को सम अप करना है. वी हैव टू गैदर अप द ओवरव्यू दैट इज कोरिलेटेड विद द टॉपिक. सो इन कंक्लूजन में हम कह सकते हैं टू सम अप by linking all the sharings, by linking all the documents, by linking and by connecting the all facts and figures that I have suggested, that I have directed above in the topic. So आपने उसमें अपने conclusion को provide करना है, और conclusion में आपके अपने suggestions हो सकते हैं, या conclusion में आपका all around overview हो सकता है. ठीक है, जिसके बारे में आपके pros and cons भी include होते हैं, और उसके बारे में आपने influential आपने कोई भी lines use कर ले रहे हैं. तो this is the thing that we have to conclude the topic in a particular way. जब आप इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो हमने उसमें यूज़ करना है, जैसे कंक्लूजन के लिए बेसिक एग्जांपल्स हो सकते हैं, टू सम अप, टू गैदर अप माय व्यूज, टू गैदरिंग द फैक्ट्स, बाय गैदरिंग ऑल द फैक्ट्स, बाय गैदरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव यूज्ड, एंड दिस इज ऑल हाउ वी कैन यूज द एग्जांपल्स. सो इन द लास्ट नंबर 9 पॉइंट और द फिगर आउट फिगर नंबर 9, वी कैन यूज एंड वी डू यूज द वर्ड थैंक्स, मीन्स रेंडरिंग द थैंक्स. It means that to leave the rostrum and dais, and so this is the only way that you are going to disconnect from the audience. And how is this possible? It is the only way that you are going to express yourself in a better way, in a good style. So by saying thank you, by saying thanks for your views, तो हम इन चीज़ों को use करते हैं, और thank you का एक जो word है इसका मतलब है आप शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से उस एरिया को या उस रोस्ट्रम को लीव कर देते हैं. दिस इज़ द ओनली पॉइंट. तो हमने थैंक यू के लिए भी बहुत सारे मतलब हम कह सकते हैं स्टेप्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एग्जांपल्स हैं. आप डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस को थैंक यू के ज़मरे में यूज़ कर सकते हैं. तो हमारे पास एक दो वर्ड्स हैं, जस्ट लाइक यू कैन यूज़ थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, ओके, थैंक यू फॉर प्रेफरिंग मी टू बी हेयर, एंड थैंक यू फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, फॉर you to be here. Thank you. So these are the things we do use for the presentation skills. इस तरह से हम अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. डेफिनेटली हमारे पास जो फिगर्स थी हमने उसके बारे में बताया, हमने ग्रीटिंग से स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन देना है, फुल नेम का यूज़ करते हुए प्लेजेंट्री सेंटेंस होता है जिसमें हमने बताना है कि आई एम वेरी ग्लैड टू बी हेयर, इट इज़ अ प्रिविलेज फॉर मी टू बी हेयर, ओके. अगर उसके बाद हमने नेक्स्ट हमने टॉपिक के बारे में डिस्क्रिप्शन देनी है, उसके बाद हम जो भी बॉडी फ्रेम है उसके बारे में बताना है, सजेशंस होंगी या सॉल्यूशंस होंगे, ओपिनियंस होंगे, उसके बारे में हमने एक डिटेल्ड नरेशन देनी है. फर्दर हमने अपनी एग्जांपल्स को इंक्लूड करना है. अगर एग्जांपल्स नहीं है तो आप उससे रेलिवेंट कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट को इंक्लूड कर सकते हैं. और इन द नंबर पॉइंट 8 आपने उसमें अपने कंक्लूजन को ऐड करना है. कंक्लूजन एक बेसिक फैक्ट है और ये अमूमन एक प्रेजेंटेशन में काउंटर पार्ट अदा करता है. ठीक है, सो आपने कंक्लूजन ऐड करना है. नेक्स्ट इन द लास्ट आपने थैंक्स के साथ या थैंक यू के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपने अपनी प्रेजेंटेशन को एंड अप करना है. सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. Thank you. This is Basit Ali signing off. Allah Hafiz.